पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ निवासी तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये तीनों शातिर बदमाश लोगों के एटीएम कार्ड का डाटा चोरी कर उनके खातों से रुपए निकालने में माहिर हैं। अब तक इन युवकों ने मध्य प्रदेश के चार जिलों में वारदातों को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों बदमाशों ने कई लोगों के एटीएस का डाटा अपने पास रखी स्वैप मशीन से चोरी कर 6 लाख से अधिक रुपए लोगों के खातों से निकाल चुके हैं। इनके पास जो छोटी सी मशीन जब्त हुई है, ये सारी वारदात उसी मशीन से डाटा चोरी करके अंजाम दी गई है। फिलहाल पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। एटीएम गिरोह पकड़ा गया है। ये एटीएम गिरोह वाले जो हैं, इनके पास एक एटीएम रीडर भी है, इनके पास में है जो एटीएम कार्ड रीडर, उस रीडर से एटीएम रीडर से वो उसमें स्क्रैच कर लेते हैं और वो सारे डाटा उसमें चले जाता है और पासवर्ड वो जो जो लोग भी एटीएम यूज़ करते हैं उनसे चुपचाप ले लेते हैं, जब वो उसमें एंट्री करने आता भी देख लेते हैं, इस तरह का हरकत करते हैं। और ये गैंग जो है रहने वाली जो है प्रतापगढ़ की है, उसमें तीन लोग हैं उनको पकड़ा गया, उनके पास एक बोलेरो गाड़ी में आए थे, तो वो तीनों को अरेस्ट कर लिया, इनसे अब पूछताछ जारी है।